कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जानो गौर हरवती हसत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के मुखारविंद की बात चल रही है, तो जब श्री राज्य मंद मुस्कान करते हैं ना, तो उनके मुखमंडल की शोभा अद्वितीय होती है। तो पूरा पूरा सारे अंग सब हंस रहे हों ऐसा लगता है, सब मुस्कान करते हैं ऐसा लगता है। हाथ पांव पेट हयड़ा कंठ हार भूषण वस्त्र। अब ये कहते हैं कि जब श्री राज्य ए सब अंग हक के मुस्कत और नाचता है मेल कर। जब श्री राज्य मंद मुस्कान करते हैं ना, तो उस समय उनके और अंगों में क्या क्या असर होता है वो बता रहे हैं। हाथ पाँव पेट वक्षस्थल और कंठहार। अच्छा, अब कंठ फिर तो उसमें हार और दूसरे आभूषण वस्त्र आदि, ये सब भी ये सब अंग हक के मुस्कत। श्री राज्य के अंग और ये वस्त्र आभूषण, तो ये सब मुस्कान करते हैं और नाचते हैं मिलकर, मिलकर नाचते हैं। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि उनके अंग हैं, अंग सब मुस्कान करते हैं, और जो वस्त्र और आभूषण हैं तो वो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से तो वो ये श्री राज्य के मंद मुस्कान का भी पूरे शरीर में, पूरा शरीर उस प्रकार से उनके अंग अंग आनंदित होते हैं। तो ब्रह्मात्मा वो देखती है तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो वो कहना चाह रहे हैं, बल बल जाऊं मुखा करके शोभा अति सुंदर। श्री राज्य के ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा देखते हैं तो वो बड़ी सुंदर शोभा है उसके प्रति। श्री राज्य के मुख के प्रति, मुखमंडल के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। ए छवि हृदय तो आवही जो रुआ हुकुम जागे अंदर। ये छवि हृदय में तभी अंकित होगी जब आत्मा अंदर से जागृत होगी। श्री राज्य के आदेश से आत्मा अंदर से जागृत होगी तो ये अनुभव हो पाएगा उसको। हक मुख छवि हृदय में ने जो आवे अंतस्करण। श्री राज्य के मुखारविंद की छवि जब हृदय में अंकित होती है तो अंतःकरण, और अब उसके साथ में फिर वो अंतःकरण में भी तो उसका असर पड़ता है। तो इतने में तो उसके साथ में क्या होगा, तीन भेली लज्जत लाड़ की आवे अरस के अंग वतन। तो जो परमधाम का अंग, परमधाम में परात्मा है, उसको जो अक्षरातीत के साथ में, अक्षरातीत का लाड़ का लज्जत मतलब उनके प्रेम का स्वाद उसको जो प्राप्त होता है, वो भी यहाँ इसको प्राप्त होने लग जाएगा। ये आत्मा अनुभव कर पाएगी ऐसा कह रहे हैं। तो परमधाम का सुख वो इनको भी यहाँ इस दुनिया में भी इस प्रकार प्राप्त होगा। गौर मुख लाल अधूरा ये जो सलु की शोभित है। श्री राज्य का मुखारविंद मुखमंडल गौर है और अधर है वो लाल है। ये जो सलु की शोभित है और इसकी सुंदरता इतनी सुंदर है, ये जुवा तो कह सके जो कोई होए निमुना इत। तो ये जुवा उसको तभी बता सकती है जिसके लिए दुनिया में उसका कोई उदाहरण हो दूसरा, कोई उदाहरण ही नहीं है। इसलिए
बहुत सुंदर है, बस इतना ही कहना पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा कुछ ज़्यादा बताने के लिए शब्द ही नहीं है। कहे जाए न गौर गलस्थल और अधुर लाल का, कहे जाए न गौर गलस्थल। गलस्थल का तात्पर्य ये कपोल, गौर कपोल, अधर उनकी लालिमा, और श्रीराज्य के पूरे मुखमंडल की चकलाई का तात्पर्य आभा। सब रस भरे नूर है, इसको वो प्रेम रस से भरे हुए हैं, इन सब का वर्णन नहीं हो सकता। लाल जुवा दंत अधूरा हरवटी गौर हसत। जब हंसते हैं ना तो उस समय क्या है, लाल जुवा, जुवा लाल लाल वो भी थोड़ी दिखाई देती है, दंत है, दंतावली, अधूर हरवटी अधर और हरवटी चिबुक, ये सभी हंसते हैं सब एक साथ में। जब मुस्कान राज्य मुस्कान करते हैं तो उनके मुस्कान में सारे मुस्कुराते हो ऐसा लगता है। जब बातों न नजरों देखिए, जब अंतर की दृष्टि से देखेंगे तब रूह सुख पावत, तब आत्मा आनंद का अनुभव करती है। अंतर्दृष्टि से ये सब देखेगा, आत्मा की दृष्टि से। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाक सलुक, अधर और चिबुक दोनों के बीच में यहाँ जो गहराई का भाग है तो उसमें भी उसकी भी सुंदरता एक अलग से दिखाई देती है। ए अचरज मोहे होता है दिल देख न हो तो भूक भूक। मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इस सुंदर दृश्य को देख करके भी ये हृदय क्यों अभी टिका हुआ है, ये तो टुकड़े टुकड़े होकर के टूट जाना चाहिए और आत्मा शरीर को छोड़ देनी चाहिए। अभी तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ रही है, ये कहना चाह रहे। दो छिद्र चकलाई नासिका गौर रंग उज्ज्वल, नासिका के दोनों छिद्र उनकी आभा, चकलाई आभा तो गौर रंग उज्ज्वल, वो भी गौर रंग है और अति उज्ज्वल है, उसकी आभा भी ऐसी है। तिलक निलाट कई रंगों, ललाट का तिलक है वो कई रंग से रंग का है, तो मुख्य तीन रंग तो बताए ही जाते हैं। नए नए देखा था माए पाला, तो देखते रहते हैं तो पल पल में नया नया दिखाई देता है। नयन रस भरे रंगीले, नयन कैसे हैं रस भरे, रस से परिपूर्ण है, रस टपकता हो उनके दृष्टि में उनके नजर से, और रंगीले तो वो बड़े प्रेम से वो प्रेम रस भर रहा हो, तो इस प्रकार से वो रंगीला इस ढंग से कह रहे हैं। चंचल चपल भरे शर्म, तो वो नेत्र चंचल कहने से ये दुनिया के हिसाब से नहीं है, चंचल चपल इस तरह कह रहे हैं कि सारे ब्रह्मात्माओं के तरफ में कब देख लेते हैं पता भी नहीं चलता है, इतनी जल्दी सारे ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मात्माओं के तरफ दृष्टिपात करते हैं। और चपल कहने से जो दुनिया में तो जो बेशरम लोग होते हैं उनकी ही दृष्टि चपल होती है, तो श्रीराज जी ऐसे नहीं है, तो उनके तो उनकी दृष्टि और शर्म तो बेशर्म नहीं है, वो तो सब ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति दृष्टि डालते हैं, इसलिए ये शर्म भी बता दिया। ए अरवाह जाने अर्श की, इस रहस्य को तो परमधाम की आत्मा ही जान सकती है। जो महरम बका हरम, ये महरवा ऐसा होता है तो वो मेहरवान अर्थ में प्रयोग होता है, मेहरवान, तो हो सकता है कि मूल शब्द वो हो और फिर बाद में लिखने वाले लिपिकारों ने इस प्रकार से लिख दिया हो। तो जो मेहरवान बक्का हरम, तो बक्का के हरम, तो हरम कहते हैं कि जो अंतःपुर की स्त्रियां दुनिया के हिसाब से, तो ये कहते हैं अखंड परमधाम की ब्रह्मात्माएँ, इसके लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो अंतःपुर की स्त्रियां होती है तो उनको कोई देख नहीं पाता है, दूसरा उनके घर के लोगों के सिवाय, तो बाहर के कोई जाकर के देख नहीं सकता,
तो इस प्रकार से ये ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मात्माएं भी तो उनको अक्षर ब्रह्म भी तो कभी देखते नहीं थे। अक्षरातीत कई दर्शन होते थे, बस उसी में उनको तृप्ति होती थी, उनको कभी पता ही नहीं। तो इस प्रकार से तो जो ये परमधाम की आत्माएं, परमधाम के अंतःपुर की आत्माएं हैं, और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेहरवान कृपालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्माएं हैं, तो वही इस रहस्य को समझ सकती है। नेत्र अनिया अति तीखिया, नेत्र की पुतली है बड़ी तीखी, मतलब अनी वाली है। रस इश्क भरे पूर्ण प्रेम रस से भरी हुई है। एक खैचे जिना रुव ऊपर, जिस ब्रह्मात्मा की तरफ इस दृष्टि पड़ती है तो वो जैसे बाण खींचते हैं उस तरह से है। जिधर उनकी दृष्टि पड़ती है ताए सालत है निश्चिन, तो उनको वो तो रात दिन तो उसको वही दिखाई देता है कि कब मैं धनी के दर्शन करूं, कब उनके चरणों में पहुंचूं, इस प्रकार का होता है। तो दुनिया में रहने पर भी तो ब्रह्मात्मा को यदि ये इस प्रकार की दृष्टि दिखाई देगी तो उसको रात दिन बेचैनी होती है अक्षरातीत के से मिले बिना, ये बताना चाह रहे हैं। श्याम श्वेत भौं है लवने नेत्र गौर गिरदवाए, तो भौं कैसे हैं ब्रिकुटी, तो वो श्याम और श्वेत है। तो आँख के दूसरा रंग है वो उज्जवल गौर वर्ण का है, और बीच में तो ये काले ये बाल के उसके हिसाब से वो ब्रिकुटी वो काली दिखाई देती है। नेत्र गौर गर्दवाए, और नेत्र के चारों तरफ पे सफेदपन है, गौर वर्ण है। श्याह पुतली बीच सुपेत में, तो ये सफेदी के बीच में वो पुतली है, वो काली काली, श्याह का तात्पर्य काली, तो काली पुतली दिखाई देती है। जंग जोर करत सदाए, तो ये पुतली है सफेद, अब आँख में भी क्या है, पुतली के चारों तरफ का भाग वो सफेद होता है, तो वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो सफेदी और वो पुतली के काली माहें दोनों जंग करते हों ऐसा लगता है। ये एक वो सुंदरता इस प्रकार से है, वो कहने का तात्पर्य है। शोभा धरत दो श्रवणों मोती उज्ज्वल अभी चलाल, दोनों श्रवण में मोतियों की शोभा है। वो कैसे हैं कि पूरी मोती की लड़ी है तो बीच में लाल मानिक है, तो सफेदी के बीच में लाल है। ए मुखरुआ जब देखही बल बल जाऊँ तीन हाल, ऐसे मुखारविंद का दर्शन करती हो जब आत्मा, तो उस समय उसको कितना आनंद आएगा, तो उसके प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। प्यारी बातें करे जब आशिक हेते सुनत कर कान हक कान, जब प्यारी ब्रह्मात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम से बात करती है तो धामधनी भी बड़े प्रेम से हेत से सुनते हैं, कान दे करके उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने शोभान, तो जिनकी वचनों को धामधनी प्रेम से सुनते हों तो ऐसे ब्रह्मात्माओं को कितना सुख प्राप्त होगा, कितनी आनंदित होती होगी, उस सुख का कैसे वर्णन करूं। रूह बात करे एक हक सों हक दे त पड़ उत्तर चार, तो प्रेम ऐसा होता है कि यदि ब्रह्मात्मा एक बात करती हो तो भी वो चार बार उत्तर दे रहे हो ना, ऐसा लगता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे किसी को कोई बोलते हैं तो परवाह नहीं है तो एक बार में नहीं भी सुने, और परवाह हो तो स्पष्ट नहीं भी सुनाई दिया तो भी दौड़ करके पहुंच जाते हैं, ना तो कुछ कहा था क्या, ऐसा वो जा करके पूछने लग जाते हैं, आप कुछ कह रहे थे क्या, तो वो है एक भाव है। तो इस प्रकार राज्य के प्रति राज्य को कुछ ब्रह्मात्मा कहते हो एक बार कहती हो तो वो चार बार सुन लेते हो, तो इतना ध्यान से सुनते हैं।
और वो चार बार उत्तर देते हैं, कुरबान जाऊँ हक हादी की जासू हक करे यूँ प्यार है। तो श्री राज जी और श्यामा जी के प्रति समर्पित होते हैं, जासू हक करे यूँ प्यार। तो हक के हादी अथवा श्री राज जी और श्यामा जी के प्रति ऐसे हम समर्पित होते हैं कि जिन श्यामा जी के प्रति श्री राज जी बड़े प्यार करते हैं, प्यार से उनको देखते हैं, उनके दुलार करते हैं और ब्रह्मात्माओं को लगता है कि हमें कर रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव होता है, उनके प्रति हम समर्पित होते हैं। ए छवि अंग अरस के, जो अंग हक मूरत है, ये परमधाम के अंगों की छवि है, परमधाम के स्वरूप की छवि है। जो अंग हक मूरत, जो श्री राज्य के मुख स्वरूप के अंग हैं, उनकी ये छवि है सुंदरता। ये कहने में आवे क्यों कर, जो कही अमृत सूरत, तो ये कहने में तो आती नहीं है, इसलिए इसको कह दिया कि ये तो अमृत स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, ऐसे दिव्य स्वरूप है, इस प्रकार कह दिया। बस इतने में ही बात पूरी कर दी, डिटेल में तो वर्णन हुआ ही नहीं है, ये तो अक्षरातीत कहला रहे हैं, तो थोड़ी सी बात हो रही है। कहाँ द केश पेच पगरी पीठ ली करू रूप रंग। अब पूरे उसको पूरे शेर का दर्शन करना हो तो कंधे से लेकर के तो ऊपर केश तक, और फिर पेच वाली पगड़ी है, ऐसे बड़ाक वाली पगड़ी है, पीठ ली कर रूप रंग, और पीछे भी लीक है, लीक का तात्पर्य तो वो ऐसे रेखाएं, तो वो पृष्ठभाग में भी पगड़ी की रेखाएं हैं और वो भी बड़े रूपाली रेखाएं, बड़े सुंदर हैं। हाय हाय जीवरा ना उड़े कहता अरस रहवानी अंग। तो परमधाम के रहमान मल्द कृपालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए, ये जीव शरीर को छोड़ नहीं रहा है तो ये बड़े खेद की बात है। तो ये जीव चेतना शरीर को छोड़ देना चाहिए और उसको तो सीधा जा कर के वहीं पहुंच जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। पाग शोभित सिर हक के, श्री राज जी के सिर पर सुंदर पाग है। बनी हक दिल चाहे ल, तो श्री राज जी जैसे चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो पाग बनाए। सो इन जुवा क्यों कह सके, इस जुवा से उसका वर्णन कैसे हो सकता है। जाके दृष्ट अंग इन खेल, तो जिसकी दृष्टि और अंग ये शरीर ये इस खेल का है, तो इस खेल के जुवा और उसकी दृष्टि से देखना और जुवा से वर्णन करना ये संभव नहीं है इस खेल के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्ट अंग इन खेल, पाग शोभित सिर हक के, पाग शोभित सिर हक के, बनी हक दिल चाहे ल, सो इन जुआ क्यों कह सके, जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्टांग इन खेल।